प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं आपकी बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर 1। पार्ट 1 हम इसको कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एंड एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमने पहले पार्ट 1 में कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे वीडियो। ओके, My left leg pains me, the farmer said. मैं फार्मर ने कहा मेरे उल्टे पैर में दर्द हो रहा है। Pay no attention to it. My uncle Khusrav rode. This horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khusrav said. He got up and stalked out of the horse, slamming the screen door. तो कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा जो घोड़ा था वो $60 का था, और अंकल खुसराव कहते हैं कोई ध्यान मत दो, मैं मनी के ऊपर थूकता हूँ, मैं पैसों का कोई ध्यान नहीं देता। वो वहाँ से खड़ा हो गया और डोर को झटके से बंद करता हुआ वहाँ से निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन। तो वो एक अच्छा आदमी है, उसने कहा उसका घोड़ा खो गया है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। फार्मर वहाँ से चला गया और मैं दौड़ के अपने कज़न मुराद के घर आया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, पीच मैंने कि आड़ू का पेड़, उसके नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, एक बर्ड जिसका नाम रॉबिन है उसकी उसको वो दवाई लगा रहा था जो उड़ नहीं पा रही थी, जिसको चोट लग गई थी। He was talking to the bird and bird से बातें कर रहा था। What is it? He said. The farmer John Byro. क्या हुआ? उसने कहा John Byro. I said. उसने कहा कि एक फार्मर आया था John Byro और वो अपना घोड़ा चाहता है और तुम्हारे पास एक महीने से घोड़ा है और मुझे प्रॉमिस करो तुम अभी इसको वापस नहीं करोगे जब तक मैं सीख ना लूँ। द फार्मर John Byro. I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He rode. उसने कहा कि अगर तुम्हें एक साल तक घुड़सवारी नहीं आई तो क्या हम इसको एक साल तक रखेंगे? उसने कहा हाँ, और मेरा जो कज़न था वो अपने पैरों पर ही कूद गया। बोला क्या? Are you inviting a member of Garo Galianian family to steal? क्या तुम चाहते हो कि हमारी जाति के लोगों को सब लोग चोर कहें, हम लोग चोर के नाम से जाने जाएं? The horse must go back to its true owner. अब घोड़े को जाना ही होगा उसके असली ओनर के पास। When I said, in 6 months at the latest, he said. जब मैंने उससे पूछा कब, तो उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में तक हम इसको रख सकते हैं। He threw the bird into the air and the bird tried hard, almost fell twice, but at least flew away high and straight. उसने बर्ड को हवा में उड़ा दिया। बर्ड ने उड़ने की कोशिश की, 2 बार वो गिरी और फिर वो उड़ गई और बहुत ऊंची और सीधी चली गई। Every early morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we are sitting. We are hiding it and rode it. रोज हम सुबह वहाँ से जहाँ हम छुपाते थे वाइनयार्ड के डेजर्टेड में, वहाँ से हम घोड़े को निकालते और राइड करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइंस एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। और हर सुबह घोड़ा यही करता कि हम दौड़ते वो मुझे गिरा देता और भाग जाता। नेवर्थलेस आई होप्ड इन टाइम टू लीप टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, कि मैं कभी मुराद की तरह मैं सोचता कि मैं भी ऐसे घोड़ा दौड़ा पाऊँ। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेथवाजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इन टू द फार्मर John Byro हु वॉज ऑन हिज वे टू ऑन। एक दिन की बात है कि हम जब जा रहे थे फेथवाजियन डेजर्ट की ओर, तो हमें रास्ते में एक फार्मर मिला। क्या नाम था उसका? John Byro। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुराद ने कहा मुझे बात करने दो, मुझे आता है बात करना। गुड मॉर्निंग John Byro, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उसने कहा गुड मॉर्निंग और उसको नमस्ते की उसने, और उसने उसको घोड़े को देखना शुरू किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड। वॉट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियम।
a lovely name, John Byrow said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. उसने उसका नाम पूछा, नमस्ते की, और उसने उसका नाम हार्ट बताया, और उसने कहा मेरा भी घोड़ा चोरी हो गया है, मैं ये बिल्कुल वैसे ही स्मेल कर रहा है. मे आई लुक इन टू हिज माउथ, ऑफ कोर्स. तो उसने कहा क्या मैं इसको देख सकता हूँ. मुराद ने कहा हाँ. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने उसके मुंह के अंदर देखा, टूथ बाय टूथ फॉर टूथ, एक एक मुंह के दांत को देखा, और उसने कहा कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा घोड़ा है, बट मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ तो और विश्वास करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जा सकती है, तो ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता और ये इसका कोई ट्विन होगा, इसका कोई जुड़वा घोड़ा होगा. टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई कुड स्वियर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. गुड डे जॉन बायरो माई कजन, मुराद सेड. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बांध. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. तो अगले ही दिन हम जॉन बायरो के वाइनयार्ड में गए और वहाँ पे घोड़े को बांध दिया. तो डॉग हमारे पीछे पीछे थे लेकिन कोई शोर नहीं मचा रहे थे. द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. मैंने उसको बताया कि डॉग्स हैं और ये जरूर भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव ए वे विद डॉग्स. तो मेरे भाई ने कहा कि किसी और के साथ ऐसा कर सकते हैं, मुझे कुत्तों को डील करना आता है, मैं इन्हें समझता हूँ. माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्सेज नोज. मेरे कजन मुराद ने घोड़े के गले में बाहें डाली, उसकी नोज को अपनी नोज से मिलाया, पैटी डिट, थप थपाया, प्यार किया, देन ही वेंट अवे, और वहाँ से चला गया. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आर हाउस इन हिज सुरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. वो मेरे उस दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आया अपनी गाड़ी में बैठ के और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया कि जो चोरी हो गया था और वापस मिल गया. आई डोंट नो वॉट टू थिंक ही सेड, द हॉर्स स्ट्रॉन्गर देन एवर बेटर टेम्पर टू, कि घोड़ा पहले से और तंदुरुस्त हो गया, उसको बहुत प्यार से रखा गया. आई थैंक गॉड माई अंकल खुजराव हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, जो कि बैठे हुए थे मेरे अंकल बैठक में और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, कि अब तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, अब इस पर ध्यान मत दो. इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ये हमें बताता है कि कैसे जो स्टोरी है कि कैसे एक फैमिली जब अपने बच्चों को बड़ा करती है तो उनकी ऑनेस्टी, जैसे वो रहते हैं, जैसे वो डील करते हैं, कैसे बच्चों में आ जाते हैं और वो कोई गलती करने से बच जाते हैं. यहाँ पे जो इसमें जो चैप्टर में जो फैमिली है वो एक ऐसी ट्राइब को बिलोंग करती है जो अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है. तो इसीलिए इसी ट्रस्ट और ऑनेस्टी ये उनके अंदर भी डेवलप हुई और लास्ट में उन्होंने अपना घोड़ा वापस कर दिया. हालांकि घोड़े को चुराते समय या वापस करते समय उन्हें कोई पश्चाताप नहीं था, उन्हें कोई दुख नहीं था, बस उन्हें यह था कि ये चोरी नहीं है और इन्होंने अपने सिर्फ घोड़े को चलाने के लिए वहाँ से लिया है. तो ये चैप्टर बेटा यहीं पे ख़त्म होता है. अब हम देख लेते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग. ये बेटा वर्ड मीनिंग्स हैं जो चैप्टर के बीच में नए वर्ड्स आए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे. चैप्टर पढ़ते हुए हमने ये डिस्कस कर लिए. इस तरह से वर्ड्स आप सारे बेटा लिख लोगे अपनी कॉपी में और इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग लर्न कर लोगे. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीदलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन वॉट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग. कि इस आप भी एग्री करोगे कि इस स्टोरी में कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं है, एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो क्यों, आंसर कीजिए इसका. तो बेटा ये है आंसर आपका. तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर वन का आंसर. देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू. डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शंस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड. Did the boy return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid?
आंसर क्या है इसका? द बॉय डिडंट थिंक दैट दे हैड स्टोलन द हॉर्स, दे हैड ओनली टेकन इट आउट फॉर अ जॉय राइड. तो कहते बच्चे बिल्कुल नहीं सोचते थे कि उन्होंने घोड़ा चुराया है, वो सिर्फ उसको राइड करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, और मुराद जो है गिल्टी भी फील नहीं करता था. दे कैप्ट द हॉर्स इन अ लोनली बार्न एट नाइट, रात को वो एक खेत में रख देते थे घोड़े को. दे वरंट कोर्ट फॉर सेवरल वीक्स, येट दे फेल्ट सैड फॉर यूजिंग अदर्स पर्सन्स हॉर्स विदाउट हिज कंसेंट. हालांकि उन्हें कभी कभी बुरा लगता था कि वो किसी की मंजूरी के बिना, किसी के बिना किसी का घोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं. जो घोड़े का मालिक था जॉन बायरो, वो उसकी खोजबीन कर रहा था. सो द टू बॉयज रिटर्न्ड इट टू द फार्मर, और इसलिए उन दोनों बच्चों ने इसको घोड़े को वापस कर दिया. प्यारे बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स अरेबियंस. यहाँ पे हमने देखा कि फैमिली किस तरह से बच्चों पर अपना प्रभाव डालती है और कैसे वो अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं. द स्टोरी इलस्ट्रेट हाउ द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर द लेसन्स टॉट इन द फैमिली. दे लुक फॉर रोल मॉडल्स इन द एल्डर्स ऑफ द फैमिली. The family in the story belongs to a tribe known for its value of trust and honesty. Aram and Murad take possession of Mr. Byro's horse to fulfill their desire of riding a horse, but later return it to honor to preserve the honor of their family. तो इस कहानी में भी जो दो बच्चे हैं आरम और मुराद, वो दोनों मिस्टर बायरो का हॉर्स चुरा लेते हैं अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए. सबके बड़े बड़े सपने होते हैं बच्चे, और कभी कभी हम गलती कर लेते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए. लेकिन ये हमें यहाँ पर सीख देती है कि जैसे इन बच्चों ने अपने इच्छा को पूरा करने के लिए चुरा तो लिया हॉर्स, लेकिन बाद में उसको जल्दी ही अपनी गलती को एहसास हुआ और रिटर्न कर दिया ताकि वो अपने फैमिली का मान सम्मान बनाए रखें. तो प्यारे बच्चों, हम सबको ऐसे ही काम करने हैं कि हमारे सब काम भी अच्छे हों और हमारे फैमिली पर का मान सम्मान भी बना रहे और हम किसी अच्छी जगह पर, पोस्ट पर बड़े होकर पहुँचें. तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाई वाज आरम सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ मुराद इन द मॉर्निंग. जब मुराद कहानी के शुरू में उसके घर घोड़े को लेकर के आया तो वो क्यों हैरान हो गया. आरम वाज सरप्राइज टू सी मुराद बिकॉज ही हैड कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग. एक तो वो सुबह 4 बजे आ गया, दैट टू वॉर, और दूसरा कि वो किसके साथ आया, सफ़ेद घोड़े के साथ, ठीक है. और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी जाति में, जो कि अभी इतनी गरीब है, उनके पास सफ़ेद घोड़ा हो सकता है. तो क्या आंसर होगा बेटा? आरम वॉज सरप्राइज टू सी मुराद बिकॉज ही हैड कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग दैट टू विद अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. ही कुड नॉट बिलीव दैट ए बॉय ऑफ हिज ट्राइब कुड बाय और स्टील अ हॉर्स. दोनों ही बात पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जाति का कोई भी लड़का घोड़ा उसके पास हो सकता है. अगर नहीं है तो उसको चुरा सकता है. कहता ना तो खरीद सकता है, ना ही घोड़ा उनके पास हो सकता है, और ना ही वो चुरा सकते हैं. इसीलिए वो घोड़े के साथ देख करके हैरान था. क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अंकल खुजराओ, व्हाई वाज ही कंसिडर्ड द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ हिज ट्राइब. अंकल खुजराओ वाज अ रिलेटिव ऑफ आरम हु वाज एन एनॉर्मस मैन. वो आरम के एक रिलेटिव थे और वो एक बहुत बड़े विशाल टाइप के व्यक्ति थे. ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पेशेंट बाय नेचर. उनको जल्दी बहुत गुस्सा आ जाता था. हिज स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू ऑल द प्रॉब्लम. वो हमेशा हर क्वेश्चन का एक ही जवाब देते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज जॉन बायरो सैड. जॉन बायरो वाज सैड बिकॉज हिज हॉर्स वाज स्टोलन. क्योंकि उसका घोड़ा चोरी हो गया था. नाउ ही हैड टू गो ऑन फुट. और अब उसको पैरों पर चल के जाना पड़ता था. नाउ ही हैड टू गो ऑन फुट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एज हिम सूर्य वॉज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिट मुराद रिटर्न द हॉर्स. उसने घोड़े को क्यों वापस कर दिया. मुराद बिलोंग्स टू अ ट्राइब विच वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी. ऐसी वो जाति को बिलोंग करता था जो ईमानदारी के लिए जानता था. उसे जॉन बायरो के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और अब उसे घोड़ा चलाने का कोई चाम भी नहीं रह गया था. अब वो उसके लिए चैलेंजिंग टास्क नहीं था, वो सीख चुका था, इसलिए उसने घोड़े को वापस करने का फैसला किया.
ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड जॉन बायरो नॉट अक्यूज मुराद ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स दो ही रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स. क्योंकि उसने अपना घोड़ा पहचान लिया था, तब भी उसने उसको क्यों नहीं बताया कि वो उसका घोड़ा है, मुराद पर चोरी का इल्जाम क्यों नहीं लगाया. दो जॉन बायरो को रिकॉग्नाइज हालांकि उसने पहचान लिया था, पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानता था और साथ में ये भी जानता था कि उनकी जो जाति है, जो ट्राइब है, वो ईमानदारी के लिए फेमस है. तो ये उसकी एक अच्छाई थी कि वो उनका नाम खराब करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपनी तरफ से उसे लेसन दे दिया था जिसका प्रभाव मुराद पर पड़ा और उसने घोड़ा वापिस कर दिया. तो बेटा आंसर क्या होगा, दो जॉन बायरो कुड रिकॉग्नाइज द हॉर्स, ही डिड नॉट ब्लेम मुराद ऑफ स्टीलिंग बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वेल, ही न्यू दैट मुराद्स फैमिली एंड ट्राइब वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी. तो बेटा ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. इन सबको मिलाकर के आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है. ओके, थैंक यू, गुड बाय. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक.